शानदार कामयाबी पर भर में जश्न मनाया जा रहा है। अरशद नदीम को जैवलिन थ्रो के मुकाबले में शानदार कामयाबी पर गोल्ड मेडल पहना दिया गया है। 40 साल बाद ओलंपिक्स के मैदान से गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ गया है, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल दिया गया है और इसके साथ ही हिस्ट्री की बेस्ट थ्रो का एजाज भी मिला है। अरशद नदीम की कामयाबी पर भर में जश्न मनाया जा रहा है और तकरीबन पाकिस्तान नेशनल एंथम भी सुनाया गया है और अरशद नदीम से कुछ देर पहले जो है पॉडियम में मौजूद थे, जहां पर इनको गोल्ड मेडल पहनाया गया है। इस वक्त पूरे मुल्क में जश्न का समा है। इसके साथ ही उनके लिए मुबारकबाद और ऐनाबाद की जो है उनकी बारिश की जा रही है। पूरे पाकिस्तान से पैगाम जारी किए जा रहे हैं और इसके साथ ही अरशद नदीम के जज्बात और तासरात देखने को मिले। उनकी जानिब से कहा गया कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, पूरे कौम को मुबारकबाद देता हूं। चार दहाइयों के बाद करोड़ों पाकिस्तानियों को ओलंपिक गोल्ड मेडल की खुशी देने वाला वाहिद चैंपियन अरशद नदीम को गोल्ड मेडल दे दिया गया है, पहना दिया गया है। अरशद नदीम को जैवलिन थ्रो के मुकाबले में शानदार कामयाबी पर गोल्ड मेडल पहना दिया गया है। 40 साल बाद ओलंपिक्स के मैदान से गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ गया है। 40 साल बाद अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचा दिया है। गुर्बत और महरूमी से शानदार कामयाबी का यह सफर बेमिसाल था। इंफरादी ओलंपिक मुकाबले में पाकिस्तान का यह पहला गोल्ड मेडल है। अरशद नदीम को जैवलिन थ्रो के मुकाबले में शानदार कामयाबी पर गोल्ड मेडल पहना दिया गया है और 40 साल बाद ओलंपिक के मैदान से गोल्ड मेडल पाकिस्तान आया है, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल दिया गया है। इस वक्त पूरे मुल्क में जश्न का समा है और इस तकरीब में पाकिस्तान नेशनल एंथम भी सुनाया गया है। हिस्ट्री की बेस्ट थ्रो का एजाज भी अरशद नदीम को मिला है। चार दहाइयों के बाद करोड़ों पाकिस्तानियों को ओलंपिक गोल्ड मेडल की खुशी देने वाला यह वाहिद चैंपियन अरशद नदीम को गोल्ड मेडल दे दिया गया है। 40 साल बाद अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचा दिया है। वो पोडियम पर मौजूद थे, जहां पर इनको गोल्ड मेडल दिया गया है और उनके साथ उनके रनर अप खिलाड़ी मौजूद थे। और गुर्बत और महरूमी से शानदार कामयाबी का यह सफर बेमिसाल रहा। इनफरादी ओलंपिक मुकाबले में पाकिस्तान का यह पहला गोल्ड मेडल है। अरशद नदीम को जैवलिन थ्रो के मुकाबले में शानदार कामयाबी पर गोल्ड मेडल पहना दिया गया है और 40 साल बाद ओलंपिक के मैदान से गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ गया है। इसके साथ ही इस वक्त इनामात जो है उनकी बारिश और पैगाम जारी किए जा रहे हैं अरशद नदीम के लिए।